जय माँ गंगे। दोस्तों दोस्तों चैनल एबीके में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर हरिद्वार धर्मनगरी में आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की मुख्य वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ मुख्य अपडेट बताएंगे और आज के यात्रियों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी समझाएंगे। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम जैसी यात्राओं के बारे में अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम हरिद्वार के बारे में और धर्मनगरी तीर्थ स्थल के बारे में आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। उसके लिए दोस्तों आपका एक लाइक तो बनता ही है। आज की जो वीडियो है बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आज मैं आपको गंगा दर्शन कराऊंगी। जो लोग हरिद्वार घूमने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा दूर हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएँ भी मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात यह है कि गर्मियों की छुट्टियों में धर्मनगरी दिल्ली एवं NCR के लोगों के लिए फेवरेट यानी कि डेस्टिनेशन बन गई है। और दिल्ली NCR से आने वाले लोग ये वीकेंड पर सुबह धर्मनगरी पहुंचने के बाद शाम तक घर वापसी भी कर रहे हैं, यानी कि गर्मी का प्रकोप अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके बाद ही दोस्तों गंगा स्नान के साथ ही मंदिरों में दर्शन कर जंगल सफारी होने से यात्रियों के एक बार में ही 3 काम भी हो रहे हैं। इससे बच्चों का जहां मनोरंजन हो रहा है वहीं परिवार के बड़े बुजुर्ग पूर्ण लाभ भी कमा रहे हैं। और फ्रेंड एक बात ये भी है कि उत्तर भारत में गर्मी चरम पर है और वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और ऐसे में दिल्ली NCR की गर्मी लोगों को झुलसा रही है। गर्मी से एक दिन के लिए राहत पाने के लिए दिल्ली NCR में रहने वाले लोग धर्मनगरी एक रुख कर रहे हैं और ये शनिवार को सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में शाम 5 बजे तक तो काम हो ही जाता है, इनकी शाम 5 बजे जो है छुट्टी हो जाती है। अवकाश होने के बाद लोग मतलब धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि धर्मनगरी के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर करीबन रात 10:30 या 10:30-11:30 बजे तक धर्मनगरी हरिद्वार पहुँचने पर रात को होटलों में ठहरने के बाद और फिर अगले दिन जो होता है लास्ट संडे, आप जानते हैं वीकेंड के 2 दिन, एक शनिवार और एक ये रविवार, ये दोनों बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर जो मतलब हरिद्वार पहुँचने के बाद इसके बाद जी लोग रविवार की सुबह ही माँ गंगा के दर्शन करते हैं सभी श्रद्धालु। और इसके बाद माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी एंड समेत अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं और समय का सदुपयोग करने के लिए सीधे जंगल सफारी के लिए निकल जाते हैं। और फ्रेंड्स जंगल सफारी में हाथियों से लेकर अन्य जंगली जानवरों को देखने के बाद वह अपने गंतव्यों को वापस निकल जा रहे हैं। फ्रेंड आपने देखा होगा जब आप यहाँ से रोड वे से निकल के आते हैं तो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस है जो मार्केट के आसपास खड़ी है, जहाँ पर श्रद्धालुओं की देख रेख कर रही है ताकि आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों प्रशासन ने पूरी निगरानी रखी हुई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड और यहीं पर अगर बात करें जंगल सफारी का आनंद लेते हुए चीला रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्वर झिलमिल झील पर पहुंचकर यात्री जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही झिलमिल झील पर तो रात्रि में विश्राम के लिए टेंट भी लगे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर अधिकतर यह रात्रि रात गुजारने के बाद सुबह के समय वापस अपने घर लौट रहे हैं। और फ्रेंड एक बात और कि यात्रियों के आने से यानी कि श्रद्धालुओं के आने से बाजारों में जो भीड़ है देखने को उसे देखकर ना कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है। दूसरी बात गर्मियों के दिनों में अधिकतर शहरों में जो दोपहर में बाजार बंद कर व्यापारी मतलब जो होते दुकान बंद करके विश्राम के लिए यानी कि आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, लेकिन धर्मनगरी में पूरे दिन भक्तों की भीड़ रहती है यानी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। दोस्तों हरिद्वार धर्मनगरी में फ्रेंड श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं, यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं तो इतनी जल्दी से तो वो लोग जाने देते, इसीलिए धर्मनगरी में पूरे दिन भक्तों की भीड़ रहती है और दुकानदारों पर खरीदारों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठते हैं, उन्हें लाभ होता है, उन्हें खुशी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों व्यापारियों के चेहरे जब ज़्यादा खुशी में होते हैं तो साथ में रेस्टोरेंट होटल में भक्तों की भीड़ ने काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है।
तो फ्रेंड अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं और आप भी वीकेंड के दिनों में घूमना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं वीकेंड की 2 डेज़ जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एक सैटरडे एंड संडे। तो इन 2 दिनों में हरिद्वार धर्म नगरी में आप वीकेंड के 2 दिन संडे सैटरडे में आराम से आकर आप या श्रद्धालुओं के साथ इंजॉय कर सकते हैं, माँ गंगा के दर्शन करें और साथ में ही यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो फ्रेंड ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो बहुत दूर हैं, किसी कारणवश हरिद्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि माँ गंगा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल है। दोस्तों माँ गंगा के दर्शन आपने कर लिए होंगे, माँ गंगा का पावन जल किस तरह बहता जा रहा है, और दूसरी बात कि आपने देखा होगा अगर माँ गंगा के तीर्थ स्थल यानी कि हर की पैड़ी पर और ब्रह्मपुर घाट पर और शिव घाट पर कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगी हुई है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यही तक, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप और भी हरिद्वार के बारे में और मुख्य जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्रेंड मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको हरिद्वार तीर्थ स्थल के बारे में या किसी और अन्य तीर्थ स्थल के बारे में कोई और अपडेट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बार कमेंट में जय माता दी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।